रेंजेस अवेलेबल हैं वो 5 किस्म के टाइप्स हैं, जिसके अंदर एक मैट फ्लोर आता है, एक सेमी ग्लॉस फ्लोर आता है, एक हाई ग्लॉस फ्लोर है, उसके बाद एक पैडेड फ्लोर आता है, और उसके बाद एक है सॉलिड वुड में फ्लोर। इनकी सबकी मैं रेंजेस आपको अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये टाइम सेविंग होता है। टाइम सेविंग से मुराद ये है कि अगर किसी क्लाइंट ने इसको डिप्लॉय कराना है तो वो एक ही दिन के अंदर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। सिर्फ हमें चंद घंटे रिक्वायर्ड हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप लोग शोरूम पे विज़िट करें, इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद हमारी टीम आएगी और इसको आके डिप्लॉय कर देगी। जो सेकेंड इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसको लगाने के लिए कोई स्पेशल सरफेस रिक्वायर्ड नहीं होती, हमें जस्ट एक स्मूथ सरफेस चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। बाज़ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने घर के अंदर टाइल लगाई होती है या मार्बल लगाया होता है और वो उसकी लुक चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन लोगों के लिए ये बेस्ट आइटम है। आप लोगों को कोई चीज़ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम आएगी उसी सरफेस के ऊपर आपको ये वुडन फ्लोर हम लोग फिक्स करके देंगे और विद इन आवर्स आप लोगों के रूम की या आप लोगों के ऑफिस की जो लुक है वो चेंज हो जाएगी। इसका तीसरा एक बड़ा एडवांटेज ये है कि कुछ लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने कुछ अरसे के लिए इस फ्लोर को यूज़ करना होता है, उसके बाद किसी और जगह पर शिफ्ट होना हो, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त आइटम है। इसका लॉक सिस्टम होता है और आप लोग इसको एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह पे भी इसको फिक्स किया जा सकता है। इसके लॉक्स आप लोग अगर ओपन कर लेंगे तो वो ये फ्लोर जो है टोटली ओपन हो जाता है और इसको किसी भी जगह पे इजीली शिफ्ट किया जा सकता है। लॉक सिस्टम होता है, जब आपने इस फ्लोर को यूटिलाइज़ करना हो तो ये लॉक्स होते हैं, ये आपस में फंस जाते हैं। ये जब फंस जाते हैं तो इसके बीच में कोई भी आपको गैप नहीं नज़र आ रहा। फ़र्ज़ करें किसी भी वजह से आप लोगों ने इस फ्लोर को चेंज करना है या वहाँ से हटाना है, तो बहुत ही इजीली ये लॉक्स जो हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं और ये फ्लोर अपनी असली हालत में आ जाता है। और आप लोगों ने किसी और जगह पे इसको शिफ्ट करना हो तो वो भी बहुत आसानी से इसको दोबारा से फिटिंग की जा सकती है। वुडन फ्लोर का एक और जो बेनिफिट है वो ये है कि इसकी क्लीनिंग बहुत ईजी होती है। आप लोग सर्फ वाले कपड़े से इसको ईजीली साफ़ कर सकते हैं, कोई भी धब्बा लग जाए, कोई भी निशान लग जाए जो सर्फ वाले कपड़े से साफ़ हो सकता है वो इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगा। ये डार्क टोन में हम लोगों ने एक फ्लोर डिस्प्ले किया हुआ है। ये वुडन फ्लोर है जो कि 8 mm के अंदर है और ये मैट के अंदर है, ठीक है। इसका ये आप लोग इसका एम्बियंस देख सकते हैं। इसके बाद जो हम लोगों के पास रेंज स्टार्ट होती है वो 3D फ्लोर में। हम लोगों का एक एग्जीक्यूटिव क्लास का फ्लोर है जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये बेसिकली पेयर्स के अंदर आता है और ये सारे पेयर्स हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी मिल जाएंगे, ये जैसे कि एक ग्रे कलर है। इस फ्लोर का जो साइज़ है वो 8 inches by 48 inches है और इसकी जो थिकनेस है वो 8 mm। इसके बाद जो हम लोगों की रेंज स्टार्ट होती है वो 13 inches by 52 inches की रेंज स्टार्ट होती है। इसके अंदर भी बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे डिज़ाइन आप लोगों को मिल जाएंगे। इस फ्लोर की जो थिकनेस है वो भी 8 mm है और इसके नीचे हम लोग जम्बो लॉन बिछाते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती इसके ऊपर चलने से। इसके बाद एक बहुत सारे कलर्स हम लोगों के पास यू ग्रूव सेमी ग्लॉस फ्लोर के अंदर अवेलेबल है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो रेंज स्टार्ट होती है वो होती है हम लोगों की 12 mm पैडेड फ्लोर। ये बहुत ही एलिगेंट किस्म के आर्टिकल्स होते हैं और इनका जो साइज़ होता है वो होता है 5 inches by 52 inches। इसके अंदर हम लोगों के पास बेशुमार कलर्स अवेलेबल हैं और ये पैडेड फ्लोर्स होते हैं। पैडेड फ्लोर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों को क्यों कहते हैं। ऑडियंस, ये हम लोगों का पैडेड फ्लोर है। इसको पैडेड हम लोग इस वजह से बोलते हैं कि इसके पीछे जो है वो फॉर्म लगा होता है और इसकी जो थिकनेस होती है वो 12 mm होती है। इस फॉर्म का फ़ायदा ये होता है कि इसके नीचे अगर हल्का फुल्का आप लोगों का अनइवन भी है फ्लोर तो वो कवर अप हो जाता है, और सेकेंडली जो है वो साउंड रिड्यूस हो जाता है। साउंड रिडक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं। इसके बाद जो हमारी रेंज आती है वो हाई ग्लॉस में आती है। ये हाई ग्लॉस रेंज है, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है स्ट्रिप का वो कोई 5x32 का साइज़ होता है। थिकनेस इसकी 8 mm होती है और इसकी जो बैकिंग है वो भी पीछे से वाटर रेजिस्टेंट बैकिंग होती है। इसमें ये आपको सारे कलर्स इसमें अवेलेबल मिलेंगे। इसके बाद जो हमारी रेंज स्टार्ट होती है वो यू ग्रूव के अंदर स्टार्ट होती है। ये सेमी ग्लॉस फ्लोर होता है और इसके अंदर ग्रूव्स बने होते हैं, जिस वजह से इस फ्लोर को यू ग्रूव फ्लोर कहा जाता है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 8 mm होती है। इसके अंदर ये सारे कलर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे तारिक इंटीरियर्स मुल्तान पे।
इसकी स्ट्रिप का फुल व्यू भी आपको दिखा देते हैं। ये पांच कलर्स का व्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस फ्लोर के पीछे भी वाटर रेजिस्टेंट वैक्स हुई होती है और इसके जो सिस्टम है वो लॉक सिस्टम होता है। आप लोग अगर किसी भी वजह से इस फ्लोर को कभी चेंज करना चाहें तो ये पोर्टेबल फ्लोर बन जाता है। इसके जस्ट आप लोगों ने लॉक रिमूव करने और इसको दूसरी जगह पे जहाँ पे आप इसे पेस्ट करवाना चाहते हैं दोबारा से लॉक्स इसके लग जाएंगे। इसके बाद जो हम लोगों के पास फ्लोर की रेंज है वो पैडेड फ्लोर कहलाते हैं। पैडेड फ्लोर इसको इसलिए कहा जाता है, इसके पीछे जंबो लॉन लगी होती है और किसी किस्म की कोई फॉर्म वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी जो थिकनेस होती है इस फ्लोर की दैट इज़ 12 mm और ये सेमी ग्लॉस फ्लोर कहलाते हैं, ठीक है। और इसका जो क्वालिटी है वो हम लोगों के पास इटालियन क्वालिटी में अवेलेबल है। मैट फ्लोर के अंदर जो साइजेस आते हैं वो 9.5x52 inch आता है और 8x48 inch आता है। उसके ये सारे कलर्स हैं, इसकी पूरी पूरी शेड्स भी आपको अभी दिखा देते हैं। जो मैट टाइल्स हैं उनके पूरे पूरे प्लंक्स का ये व्यू है। हम लोगों के पास जितने भी फ्लोर्स हैं उनके पीछे वाटर रेजिस्टेंट वैक्स लगी होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये फ्लोर कभी भी नीचे से नमी नहीं पकड़ता और ये मॉपेबल फ्लोर्स होते हैं, मतलब वॉशेबल नहीं इनको कह सकते लेकिन आप इनको किसी भी तरीके से साफ़ किया जा सकता है, मॉपेबल होते हैं। इसके बाद जो हम लोगों की रेंज स्टार्ट होती है वो होती है सेमी ग्लॉस में, 5x32 inch इस स्ट्रिप का साइज़ होता है और ये सेमी ग्लॉस स्ट्रिप होती है। इसके अंदर ये सारे कलर्स हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। ये बंचीज़ हैं, ये इसके बंचीज़ हैं, ये सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं। एक फुल इसकी शील्ड का व्यू भी आपको दिखा देते हैं। ये इनकी फुल शील्ड का व्यू है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 8 mm होती है, ठीक है। इसके बाद जो फ्लोर आता है वो हम लोगों के पास सॉलिड फ्लोर आता है। सॉलिड फ्लोर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो वुड है ये बिल्कुल सॉलिड होती है, इसमें कोई HDF फ्लोर नहीं। जैसे HDF फ्लोर होता है वो उसके अंदर लासानी जो है वो यूज़ की जाती है, लेकिन ये जो सॉलिड फ्लोर होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड वुड का ही बना होता है। इसका ये फ्रंट है जो कि सेमी ग्लॉस होता है, ठीक है। और इसका ब्लॉक सिस्टम होता है, ये 18 mm इसकी थिकनेस होती है और नीचे पीछे इसके वाटर रेजिस्टेंट वैक्स इसके भी लगी होती है। ये इसका पूरा व्यू है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्लोर है। ये हमारे बंचीज़ हैं। इसके अलावा भी काफ़ी बड़ी रेंज अवेलेबल है हम लोगों के पास। हमारा शोरूम है इधर मुल्तान में, डेर अड्डा चौक से हसन परवाना कॉलोनी की तरफ एक रोड जा रहे हैं, उसी रोड के ऊपर हम लोगों का शोरूम है तारिक इंटीरियर्स के नाम से, ज़ैबुन निसा लेडीज़ पार्क के साथ ही शोरूम है।